हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 13.4 क्वाड्रिलेटरल्स। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 13.4 का पार्ट वन ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व किया है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री की। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। इन ए ट्रायंगल पी क्यू एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। इफ ए सी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए आर पी क्यू। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, आपके पास एक ट्रायंगल है, ओके, और पी क्यू आर, ठीक है, ये तीनों क्या है आपके मिड पॉइंट है, ओके। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं आपका ए बी सी। मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है जिसकी बात हो रही है, इन्हें ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू एंड आर ये आपके मिड पॉइंट हैं, ठीक है, बी सी का, सी ए का और ए बी। तो यहाँ से आपने जज कर लिया कि आपका जो ट्रायंगल है वो ए बी सी ही होगा। मेरी बात आ गई समझ में, ठीक है। तो BC का मिड पॉइंट है P, ओके, BC का मिड पॉइंट है P, ओके, CA का मिड पॉइंट है Q, CA का मिड पॉइंट है Q, ओके, इसके बाद AB का मिड पॉइंट होगा R, ठीक है, AB का मिड पॉइंट है R। अब क्या बोला गया है, AC का वैल्यू है 21 सेंटीमीटर, आप यहां पर लिख लेंगे AC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ओके, BC का वैल्यू, बी सी इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ए बी का भी वैल्यू आपको गिवन है। इसके बाद बच्चों, आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए आर पी क्यू। क्या कोई आपके सामने क्वाड्रिलेटरल है ए आर पी क्यू? ये देखिए, ए आर पी क्यू, ठीक है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है और इसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो बच्चों, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल ए आर पी क्यू के अंदर पेरीमीटर, ठीक है। ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ए आर पी क्यू, इसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब है कि जो चारों साइड्स हैं, ठीक है, चारों साइड्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है और जैसे ही वो आपको मिल जाती हैं तो चारों साइड्स की वैल्यूज को ऐड कर देना है, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। तो यहां पर बच्चों देखिए, एसी का वैल्यू आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर, इस एसी का वैल्यू आपको 21 सेंटीमीटर गिवन है और क्यू आपका मिड पॉइंट है, ओके। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आपका 10.5 आ जाएगा, ये आपका 10.5 आ जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में, ओके। अगर आपको ए क्यू फाइंड करनी है तो एसी का आप हाफ कर देंगे, ओके, तो ए सी का वैल्यू आपके पास है 21, ओके, तो ये आपका आ जाएगा 10.5। मेरी बात आ गई समझ में, ठीक है। इसी तरीके से ए बी का वैल्यू आपको गिवन है, ए बी का वैल्यू आपको गिवन है 30, तो आर आपका मिड पॉइंट है, ओके, तो अगेन ये आपका 15 होगा, ये आपका 15 होगा, ओके। तो अगर आपको ए आर का वैल्यू फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, ए बी को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि आर आपका मिड पॉइंट है, ओके, ए बी का वैल्यू 30 है तो ये आपके पास आ गया 15, ओके। अब बच्चों, दो साइड्स का वैल्यू तो आपके पास निकल के आ चुका है, ए आर का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, ए क्यू का वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर, ओके। अब बारी आती है आर पी और पी क्यू की। अब बच्चों, मेरी बात को थोड़ा और ध्यान से समझना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू में मिड पॉइंट थ्योरम को यूज किया था कि हमने इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव किया था। पैरेललोग्राम से होगा क्या, जैसे आप इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में बराबर होंगी,
ओके, अगर ये 10.5 है तो ये भी 10.5 होगी, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। तो आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, इसके अंदर आपको मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करनी है। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि आर एंड पी, ठीक है, आर और पी आपके मिड पॉइंट हैं। ओके, आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ, आर किसका है, ए बी का, ऑफ ए बी, एंड पी किसका है, बी सी का। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से आप बोल सकते हो, आप यहां पर यूज कर रहे हो मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। तो आप बोल सकते हो बच्चों कि जो आर पी है, ठीक है, आर पी वो आपका पैरेलल होगा ए सी के। ठीक है, जो आर पी है वो पैरेलल होगा ए सी के, यही तो होता है। ओके, और आप ये भी बोल सकते हो कि जो आर पी है, दो कंडीशन है, दो रूल है, पहला ये है और दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरा होगा कि जो आर पी है वो हाफ ऑफ ए सी के भी बराबर होगा। ठीक है, अब जो आपका हाफ ऑफ ए सी है, अब यहां पर देखिए आर पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, तो हाफ का क्या मतलब है, क्योंकि क्यू आपका मिड पॉइंट है, तो हाफ आप क्या लिख सकते हो, या तो क्यू सी लिखोगे या फिर ए क्यू लिखोगे, लेकिन हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आती है आपकी ए क्यू साइड। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज करके हम अगर ये लिख दें कि आर पी इज इक्वल टू ए क्यू, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, देखिए आपने क्या किया, एक पेयर को आपने पैरेलल भी कर दिया और इक्वल भी प्रूव कर दिया। इस ए सी की जगह, इस ए सी की जगह आप ए क्यू भी लिख सकते हो, जब आपकी ए सी पैरेलल है तो ऑब्वियसली ए क्यू भी पैरेलल होगी, तो आप यहां पर लिख सकते हैं आर पी इज पैरेलल टू ए क्यू। ओके, तो आप यहां पर लिख सकते हैं अ पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। मेरी बात आ रही है समझ में? तो बच्चों इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपकी ये कंडीशन काफी है। तो आपने इस तरीके से प्रूव कर दिया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए आर पी क्यू, ये आपका क्या बन गया, देयरफोर यू कैन राइट ए आर पी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। और मैंने आपको कहा था कि जैसे ही आपका ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है तो आप बोल सकते हो कि अपोजिट साइड्स आपकी बराबर होंगी। तो ये अगर 10.5 है तो ये साइड भी आपकी 10.5 होगी, कौन सी, आर पी। ठीक है, अगर आपकी ए आर 15 सेंटीमीटर है तो क्यू पी भी आपकी 15 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो इस तरीके से आपने पैरामीटर भी फाइंड कर लिया। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पैरामीटर क्या होगा, फिर पैरामीटर ऑफ ए आर पी क्यू कितना होगा बच्चों, आप सभी साइड्स को ऐड कर दोगे, साइड कौन कौन सी हैं, ए आर प्लस क्यू पी प्लस आर पी प्लस ए क्यू। ओके, तो आपने यहां पर लिख दिया ए आर का वैल्यू कितना है बच्चों, 15, क्यू पी का वैल्यू कितना है 15, आर पी का वैल्यू 10.5 प्लस ए क्यू का वैल्यू 10.5, तो फाइनली आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 30 और ये आपका हो जाएगा 21। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू आ गया आपके पास 51 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इन ए ट्रायंगल एबीसी मीडियन AD इज प्रोड्यूस्ड टू x सच दैट AD इज इक्वल टू DX, प्रूव दैट ABXC इज ए पैरेललोग्राम। तो देखिए आपको एक ट्रायंगल गिवन है, ओके, एबीसी, तो ये आपका ट्रायंगल है ABC और आपको एक मीडियन गिवन है AD, ओके, तो चलिए हम यहां से इस A वर्टेक्स से, क्योंकि आपकी AD मीडियन है
तो इसका सिंपल सा मतलब है ए वर्टेक्स होगा आपका, यहां से निकल के यहां तक जाएगी, ठीक है। इसको हमने डी बोल दिया क्योंकि आपका एबीसी ट्रायंगल के अंदर आपकी मीडियन है, ठीक है। अब बच्चों इसको एक्सटेंड किया गया है, ओके, प्रोड्यूस टू एक्स, कहां तक, एक्स पॉइंट तक, ओके, इस तरीके से कि जो एडी है वो डीएक्स के बराबर है। मेरी बात आ रही है समझ में? इस तरीके से एक्सटेंड किया गया है कि जो एडी है वो डीएक्स के बराबर होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, सी से एक्स को ज्वाइन कर दिया, बी से एक्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को ए बी एक्स सी को आपको प्रूव करना है कि यही आपका पैरेललोग्राम है। बच्चों सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि मीडियन क्या होती है। किसी भी ट्रायंगल में अगर हम मीडियन की बात करें, ये आपका एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इस ट्रायंगल के अंदर एडी एक मीडियन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ए वर्टेक्स से जनरेट होगी और यहां पर कट करेगी, ठीक है। तो ये जो मीडियन है इस बीसी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और डी आपका बन जाएगा मिड पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि बी ई जो है वो आपकी एक और मीडियन है, बी ई, ओके, तो इस बार ए सी लाइन का मिड पॉइंट होगा ई, ओके, यानी कि ए ई इज इक्वल टू ई सी होगा। बच्चों इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि सी एफ एक और आपका मीडियन है, ठीक है, जो यहां पर कट करता है एफ पॉइंट पर, ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब है ए एफ इज इक्वल टू बी एफ होगा, ओके। इसका मतलब है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओके, और ये जो पॉइंट है मान लीजिए आपका ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है और ये आपका बन जाएगा सेंट्रोइड, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में आपकी तीन मीडियन होती हैं और एक होता है सेंट्रोइड। तो मीडियन क्या करेगा, अपोजिट लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो यहां पर देखिए जो डी पॉइंट है ये बीसी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, ओके, और आपका ए डी जो है वो डीएक्स के बराबर है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो बच्चों आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी एक्स सी आपको गिवन क्या है, ए डी इज इक्वल टू डी एक्स, ए डी इज इक्वल टू डी एक्स, ओके, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और आपको ये भी बोला गया है कि ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए डी आपकी मीडियन है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो बी डी है वो आपकी बराबर होगी डी सी के, तो ये भी आपको गिवन है, ओके, क्यों, क्योंकि ये आपके एक मीडियन है। ये कंसेप्ट मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है, इसको आपको यहां पर अप्लाई करना है। तो बच्चों आपको यहां पर समझ जाना चाहिए कि हमने इन दो बातों को यहां पर क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपकी दो डायगनल्स हैं ए एक्स और बी सी, ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि आपका ए बी एक्स सी एक पैरेललोग्राम होगा ही होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सो डायगोनल्स ए एक्स एंड बी सी बाइसेक्ट ईच अदर। तो बच्चों आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो देयरफॉर ए बी एक्स सी इज ए पैरेललोग्राम, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।